जनपद रामपुर तहसील शाहबाद के ग्राम रेवड़ी में रामपुर पुलिस निर्दोष आशिया जो 7 महीने की गर्भवती है, रामपुर पुलिस ने रात से थाने में बैठा रखा है। आशिया का पति जो गुनहगार है, जो पुलिस का आरोपी है, उसे छोड़ रामपुर पुलिस बेकसूर लोगों पर अत्याचार कर रही है। उनमें से एक आशिया भी है जिसे रात भर थाने में बैठा कर रखा गया, जो 7 महीने की गर्भवती भी है। पुलिस आशिया के पति को छोड़ एक आरोपी को छोड़कर 7 महीने की गर्भवती औरत को रात भर थाने में बैठा कर रखती है और इस प्रकार से 7 महीने की गर्भवती औरत पर जुल्म किया जा रहा है। रामपुर से रामनाथ गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीएन न्यूज बिहार। मेरा नाम दीन मोहम्मद, हमारी भाभी को लेकर उठा के क्या नाम है कि हमारे भाई के ऊपर केस था, तो उसके बाद क्या नाम है आए पुलिस वालों ने हमको भी गाली रखी और हमारे घर वालों को गाली रखी। एक्चुअली हमें बहुत परेशान करा। हमारी भाभी 7 महीने से प्रेगनेंट है, उनको उठा लिया। उठाने के बाद और हमारे जो क्या नाम है हमारे भैनोई साहब हैं, उनके भैये हैं, और उनको उठा के क्या नाम है पुलिस में क्या नाम है थाने में बिठा रखा है। तो हम यही चाहते हैं क्या नाम है हमारी भाभी को और हमारे जितने रिश्तेदार को जो उठाया है उनको छोड़ दिया है बस। क्या नाम है चार पाइयाँ तोड़ने के बाद बर्तन जो थे हमारे भाभी के भैये के, उन्होंने क्या नाम वो कमरे का ताला तोड़ के क्या नाम है उन्होंने सारा सामान क्या नाम भरा कट्टों में बर्तन थे, आटा था। कट्टों में भरने के बाद क्या नाम है सर एक अंजन और एक साइकिल, एक मोटरसाइकिल और 3-4 पाइयाँ तोड़ दी सर। वो ले जाके क्या नाम है थाने इसमें चौकी रेवड़ी कला चौकी में रखा। तो बोले भाई ये कोर्ट से ही हो पाएगा, हमें नहीं पता भाई कैसे ले गए। तो उन्होंने कहा चलो हो जाएगा मसला, तो उन्होंने 5,000 रुपये में मसला करा। फिर मुझे हमें सारा सामान दे दिया, हमारी भैंस भी दे दी, कटरा भी था सर, अंजन भी था, मोटरसाइकिल भी थी, धनोई वाली मोटरसाइकिल थी सर। हमारे भाई ने जो कर्म करें तो आप क्या नाम है उसको पकड़ो, उसको सजा दो। हमारे रिश्तेदार को या हमारी भाभी को सजा देने से क्या फायदा है। नबी अहमद मसला ये था ना, पुलिस हमें बहुत दोनों से कर रही थी, अब इस वक्त ये मसला हो गया कि हमारी बहू के लिए जो था शाहबाद में रह रही थी बहू अपनी नंद के पास, वहाँ से उसको उठा